हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, ये देख रहे हैं मेरे पास ये रेडमी का ए सिक्स मोबाइल है। इसमें प्रॉब्लम आ गया, द सिस्टम द है द डिस्ट्रॉयड, मतलब इसमें सॉफ्टवेयर का करप्ट हो गया है। इसको सबसे पहले डाउनलोड मोड में लाना है। तो डाउनलोड मोड में लाने के लिए आपको वॉल्यूम अप और पावर दबाना है, और वाइब्रेशन देने पर पावर बटन को छोड़ देना है। और देख रहे हैं आप, ये मोबाइल ऑन हो गया है। और ये आपको ये ऑप्शन निकला है ये तीन, तो सब दोनों ऊपर वाला छोड़ देना है और नीचे वाला सिस्टम में आना है। कनेक्ट विथ एमआई असिस्टेंट में आना है, सबसे नीचे है, वॉल्यूम माइनस आएंगे और इसमें पावर से ओके कर देंगे। और इसका इस वीडियो को पूरा आप देख लेते हो तो इस मॉडल का ये प्रॉब्लम एकदम आसानी से आप ठीक कर सकते हो। और मैं इसका सेटअप खोलने जा रहा हूँ, एमआई फोन असिस्टेंट इसका सेटअप है। मैंने डिस्क्रिप्शन में फाइल का लिंक और सेटअप का लिंक दोनों दे दिया है, चाहे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना है। और देख रहे हैं सेटअप मतलब खोल रहे हैं हम, और आपको ये फ्लैश मतलब सेटअप और फाइल पहले डाउनलोड कर लेना होगा इस फ्लैशिंग से पहले, तब इसका आप फ्लैशिंग कर सकते, क्योंकि ऑनलाइन ये फ्लैश होता है। और देख रहे हैं ये सेटअप खुल गया है, और सेटअप खोलने के बाद आपको मोबाइल को आप डाउनलोड मोड लाए हैं उसको कनेक्ट कर देना है। और इधर देखिए थोड़ा मतलब कन्फ्यूजन वाली बात है, यानी इतना बड़ा कन्फ्यूजन नहीं है, मतलब थोड़ा समझने वाली बात है। अब जो आप लगाते हैं कंप्यूटर में सेटअप खुल गया, तो दिख रहे हैं बीच वाला जो ऑप्शन है चाइनीज भाषा में लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। इधर आपको आपको अकाउंट देना पड़ेगा। आपके पास अगर एमआई का अकाउंट है तो एमआई का अकाउंट दे दीजिए, और एमआई का अकाउंट देते हो तो और ये है दिख रहा है ऊपर में जो ऑरेंज कलर का है साइनिंग, उसमें आप क्लिक करके साइनिंग हो सकते हो और पासवर्ड भी दे सकते हो। उधर आपको अगर पहले से एमआई अकाउंट होना चाहिए आपके पास, ऐसा नहीं कि अभी नया डालेंगे तो होगा, नहीं तो पहले वाला मतलब बनाया हुआ होना चाहिए। तो मेरे पास भी नहीं है, कोई इससे दिक्कत नहीं है, तो मैं फेसबुक से कनेक्ट करता हूँ। और बेसिकली सब फेसबुक का सबके पास होता है अकाउंट, इसीलिए मैं फेसबुक से करने जा रहा हूँ। देखिए इसमें हम मैंने अपना यूजर नेम डाल दिया, और ऐसा है फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको एकदम 100% ओके है, कि मैंने भी बहुत ट्राई करके बनाया हुआ हूँ। और इसमें हम पासवर्ड डालेंगे, और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे इसको। लॉगिन कर दिया, देख रहे हैं लॉगिन हो गया, थोड़ा टाइम लगता है, अब देखिए हो गया है। इधर आपको फिर से बीच वाला पे क्लिक करना है। अब ये देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक का मतलब जो होता है चिन्ह, इसमें इसमें आपको लेफ्ट बगल वाला पर क्लिक करना है। ऐसे भी माउस का जा रहा है, जिधर जिधर जा रहा है उधर आप भी क्लिक कीजिए। अब देखिए इधर आपको एक प्रॉब्लम, आपको अगर आप ट्राई कर रहे हैं आपको नहीं हो रहा है, तो इधर एक प्रॉब्लम है इसका, जो मुझे भी परेशान किया थोड़ा देर। देखिए मैंने भी ये चार फाइल डाउनलोड किया और नहीं हो रहा था। अब देखिए मैं अभी ट्राई करता हूँ इसको कि क्या मैसेज देता है। खास करके आपको भी अगर ऐसा दे रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इस वीडियो के देखने के बाद आपको मिल जाएगा। देखिए इसमें एक एरर बताएगा, इधर एरर बताएगा आपको। पूरा समझना वाला बात यहीं पर है, आपको सेटअप में बोल रहा है क्या प्रॉब्लम है, बोल रहा है। देख रहे अभी जो फाइल आप चढ़ा रहा है 10.32.0 वाला चढ़ा रहे हैं, और देखिए अब इधर आपको ये फाइल नहीं चढ़ेगा, मतलब मैं भी बहुत देर से परेशान था। देखिए इधर आप ये नीचे बोल रहा है ना 9.6.13.0 वाला, ये मतलब ये मोबाइल में ये फाइल वाला चाहिए। तो ये फाइल का भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया हूँ, और ये फाइल सेलेक्ट करके आप फिर से मैं ओके करता हूँ इस पर। देखिए लेफ्ट साइड वाला पर ओके करता हूँ, देखिए फिर से फाइल मांगता है। तो आप मुझे मालूम हो गया इसमें फाइल चाहिए, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए। और देखिए इस फाइल को हम ओके करेंगे, यानी ओपन कर देंगे। अब देखिए वीडियो पूरा देखिए, और मैं आपको पूरा से मतलब एकदम समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए कनेक्ट हो रहा है, और इसमें आपको फ्लैशिंग में ये बात है फ्रेंड्स कि आपको नेट के स्पीड पर फर्क पड़ता है, कि कितना आपका नेट का स्पीड फास्ट है। देखिए ये 0% स्टार्ट होने लगा, और अभी ये क्या होगा आपको मैं बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने ये वीडियो जो है स्किप करके बनाया हुआ है। मतलब ये वीडियो आपको तकरीबन मेरे ख्याल से मुझे ये काम करने में 15 से 20 मिनट लगा, तो इतना पूरा वीडियो मैं नहीं दिया हूँ उसको। और ये देख रहे हैं एक से लेकर आप अभी आप जो मोबाइल लगाए हुए हैं, मोबाइल को अभी हिलाना हुलाना नहीं है, नहीं तो आपको नेट का लाइन करना है और नहीं कंप्यूटर ऑफ होना है, यानी पीसी ऑफ होना है। तो इसी तरह आप बना सकते हैं। और पहली बार आप एमआई का मोबाइल फ्लैश कर रहे हैं जैसे रेडमी एमआई 6, तो इसका ड्राइवर आपको मिलाना होगा। मैंने ड्राइवर का भी लिंक दिया है नीचे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और पहले से कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी में आपको ले लेगा।
देखिए मैंने ये पहले आपको मैं बोल दिया हूँ कि 1 से लेकर 100 तक होगा, और फिर से देखिए मैं दोबारा ये वीडियो को मैंने पहले आपको बोल चुका हूँ कि मैंने स्किप करके बनाया हुआ है। और देखिए फिर मतलब पहले बार जो 1 से लेकर 100 तक होगा तो वो आपको कनेक्ट होगा मतलब सर्वर से। अब ये दोबारा देखिए, अब ये दोबारा फिर से 100 से स्टार्ट होगा, तो अब ये मोबाइल में सॉफ्टवेयर जा रहा है। देखिए मतलब ये पहले फर्स्ट में मतलब जो पहले बार 100 जो 1 से लेकर जो 100 तक होगा तो उसमें फ्लैशिंग नहीं होता है, बाद में होता है। देखिए मैंने अब आपको मैं एक बार फिर से समझाना चाहता हूँ, फाइल का वर्जन ज़रूर समझिए आप। फाइल अब अगर आपका नहीं डिस्टर्ब हो रहा है, इरर आ रहा है, नहीं हो रहा है फ्लैशिंग, तो जो मोबाइल में फाइल वर्जन है जो सेटअप में बता रहा है वही डालिए। देखिए मैंने मुझे भी परेशान किया था। देखिए ये 15 तक पहुँच गया है, ये पहले हो चुका है, तो आप नहीं बोलिए यार तुमने इतना देर मतलब जल्दी बना दिया। मैंने मुझसे भी जल्दी नहीं हुआ, मुझे भी 15-20 मिनट लगा है बनाने में ये मोबाइल, तो आपको भी टाइम लग सकता है। और क्योंकि वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं देना पड़ता है, नहीं तो आदमी व्यूअर जो होता है वो बोर हो जाता है, पूरा वीडियो नहीं देखता है, फिर उसको नहीं समझ आता है, फिर वीडियो उसके नज़र में फेक हो जाता है। इसलिए मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि स्किप करके मैंने बनाया हुआ है, और जो ज़्यादा टाइम वाला वीडियो है उसको मैंने वीडियो से निकाल कर बाहर कर दिया है, सिर्फ काम का वीडियो इसमें रखा है। देख रहे हैं 27 पहुँच गया है, यानी बीच बीच में मैंने काट दिया हूँ। आप ये मत सोचिए कि ये इतना बढ़ रहा है, तो आप जो करोगे तो स्थिर से करिए और टाइम लगा कीजिए, काम होता है 100% होता है। और दोबारा बार मैं इसमें देख रहा है फाइल राइटिंग हो रहा है, पहले अपडेट होगा फाइल यानी कनेक्ट होगा जो भी समझ लीजिए। अब देखिए 99 100 हो गया, मोबाइल में भी हो गया। देखिए मोबाइल अब ऑन हो गया, चालू हो गया। और अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं क्योंकि मैं मोबाइल से रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं डालता ही रहता हूँ। जो कि नया टेक्नीशियन है, जो नया सीख रहे हैं, सीखे हुए उसको हेल्प मिलता है, उसको समझाने की बुझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए इसमें मैं कंट्री चूज करूँगा, तो मैं नेपाल से हूँ तो नेपाल को चूज करूँगा, आप जिधर का है उधर चूज कर लीजिए। अब वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करो, और नहीं अच्छा लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। अब मैंने तो वीडियो में आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, और एक बार मैं नहीं समझ तो इस वीडियो को आपको रिबैक मतलब यानी रिटर्न कर के देखिए मैंने किधर किस टाइम में किस पर क्लिक किया है और क्या बोला है, फिर आराम से आप कर सकते हो। देख रहे हैं क्योंकि कोई भी काम बहुत बड़ा नहीं होता है, आप करते हो आराम से दिमाग लगा के तो होता है काम। देखिए हो गया। और कोई कोई मॉडल में इसमें आपको FRP भी मतलब फ्लैशिंग करेंगे तो FRP भी मिल सकता है, तो इसका FRP का अलग मेथड होता है, उसे आप बना सकते हैं। खास करके इसमें मुझे नहीं लगा था FRP है, कि आप फाइल देने से FRP हट गया क्या मुझे नहीं पता है, तो आप FRP का अलग मेथड है, आप कर सकते हैं दूसरा वीडियो देख कर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये हो गया है मोबाइल, ये स्टार्ट हो रहा है। देखिए इधर आपको पासपोर्ट सेट करने के लिए बोला था, इतना बहुत आदमी को मालूम होता है, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि देखिए वीडियो में मैंने 2-3 पॉइंट बोला है कि आपको सेटअप डाउनलोड करना है, और फ्लैशिंग से पहले सेटअप डाउनलोड MI फोन एसिस्टेंट इस सेटअप का नाम है, वो सेटअप डाउनलोड करना है, और फ्लैशिंग से पहले आपको उसका फाइल डाउनलोड कर लेना है, और मतलब किधर डेस्कटॉप पर या किधर भी सेव करके आपको रख देना है, क्योंकि बाद में नहीं होगा, आपको पहले डाउनलोड कर रहा है दोनों चीज़। अब दोनों फाइल का मैं लिंक दिया हुआ हूँ नीचे, अब दो जो आपका मोबाइल में लगे वो डाउनलोड करके डालिए, 100% मोबाइल बनेगा। तो लीजिए इस वीडियो में इतना ही, मैं अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। ओके बाय।